हमारी दुकान में कुछ अजीब सा जानवर देखा यार। गया है, तो हमने राजेश विश्वकर्मा को फोन लगा के बुलाया है। वो आएंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं स्नेक सेवा राजेश विश्वकर्मा जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। किसी भी समय पर डरे नहीं और हर समय चाहे रात हो चाहे दिन हो कॉल करें और समस्या का समाधान करेंगे हम। ठीक है, किसी भी समस्या का, ठीक है, चाहे गाय हो या कुत्ता हो, कोई भी हो, किसी भी रेस्क्यू के लिए हमें कॉल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुरंत ही वहां पर पहुंच सकें। और आइए हम देखते हैं जिस भैया ने हमको कॉल किया है तो उनके पास उनने क्या देखा है, और आइए उनको रेस्क्यू करते हैं और समस्या का उनकी समाधान करते हैं। नमस्ते भैया, आपका शुभ नाम बताएं इसमें। रामबाबू विश्वकर्मा। रामबाबू विश्वकर्मा जी, आपका क्या नाम है दादाजी? नाम बारेलाल साथ के। अच्छा, क्या देखा है आपने दुकान के अंदर? कुछ बात का देखा गया, देखा गया। अच्छा, तो भैया का मेरे पास 5 बजे फोन आया था सुबह कि भैया यार हमने कुछ देखा है, घर पे कैमरा लगा है इधर, तो इसमें देखा था इनने घर पे तो कुछ गया है अंदर, तो मगर इनने सुबह आके देखा तो कुछ है अंदर इसमें, मेरे को फोन पे बताया था उनने, मगर 5 बजे फोन भी किया था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं अपन कर लेते हैं, तो अभी तो घड़ी में बज गए 12 क्योंकि सुबह मैं दूसरी जगह गया था रेस्क्यू के लिए, तो अपन जो है ना उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये हाईवे रोड है, भैया ने फोन लगाया था तो अब देखते हैं क्या है अंदर, है ना। और अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सुबह से? अच्छा, थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा बस, और कुछ? हाँ, तो अंदर है और आइए चलकर दिखाते हैं आपको क्या है अंदर, फटाफट के अंदाज में आपको दिखाते हैं निकालकर, और उसको रेस्क्यू करके और सुरक्षित उसको जंगल में रिलीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। यहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर है। अच्छा, तो देखिए भैया यहाँ पर है, इधर बताइए, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, देखिए ये है ना, तो इसको अपन रेस्क्यू करते हैं भैया और इसको सुरक्षित अपन बाहर ले चलते हैं। देखो दूर से, ठीक है, देखते हैं अपन और इसको रेस्क्यू करते हैं और इसको भाई सुरक्षित अपन जंगल में छोड़ते हैं, ताकि भैया को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, सांपों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, और इंसानों को सांपों से और सांपों को इंसानों से, सभी को बचाना है हमारा यही संकल्प है। हम अपनी जान को खतरे में डाल के और इंसानों को सभी को अपन सुरक्षित बचाने की कोशिश करते हैं, इनको भी बचाना है और भैया को भी बचाना है, तो दोनों जनों को बचाना हमारे लिए जरूरी है, और किसी को भी कभी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो हमें डरे नहीं और कॉल करें, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, सेवा होना चाहिए देश की किसी भी प्रकार से हो। ठीक है ना भाई, आइए अपन इसको रेस्क्यू करते हैं और इसको फटाफट के अंदाज में बाहर लेकर चलते हैं। बताइए इधर, ठीक है, हटो, देखो इधर दिखाओ, ठीक है, ये अपन ने इसको रेस्क्यू कर लिया है, अब अपन इसको बाहर लेकर चलते हैं। देखो इधर दिखाओ, ये देखो, इसको रेस्क्यू कर लिया है अपन ने और इसको अपन बाहर लेकर चलते हैं। देखो इसको देखो, इधर अपन ने इसको रेस्क्यू कर लिया है, देखिए, देखो इसको अपन ने रेस्क्यू कर लिया है, और इसको जो है इसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास है, जो कि ये काट लेता है, ये फूंक देता है तो आदमी का पैर सड़ने गलने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है, कि फूंक देता है तो पैर गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, ये नॉन वेनमस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता,
ये करीब 3 फीट की है ना। इसका नाम है कॉमन सैंड गोवा। इसको अपने भारत में डियर भी बोलते हैं, मगर इसका नाम कॉमन सैंड गोवा है। और ये बहुत सारी प्रजातियों के पाया जाता है। ये बच्चे देती है, कम से कम 15 से 20 बच्चे देती है। एक रसल भाई पर होता है और वो भी बच्चे देता है और ये भी बच्चे देते, बाकी सभी अन्य सांप जो होते हैं वो सिर्फ अंडे देते हैं। ये बच्चे देता है, डायरेक्टली बच्चे देता है। देखो दोस्तों, इनको बचाना हमारा काम है और सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाना है। तो इस मुहिम में सभी लोग हमारा साथ दें और कोई भी कभी भी किसी भी सांप को मारे नहीं और हमको बुलाए और डरे नहीं और हमको कॉल करें, ताकि हम आपके पास आएंगे, हम आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी और आपको मदद करके और आपको रेस्क्यू करके और इसको जंगल सुरक्षित छोड़ेंगे, आपको भी दिक्कत ना हो और हमको भी किसी भी भाई को भी दिक्कत ना हो। अब आपको कैसा लग रहा है, आइए बाहर। अरे आइए बाहर, आइए, मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ जब तक कोई कुछ नहीं करेगा, ना 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 कोई कुछ नहीं करेगा। अब बताइए आप, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसको रेस्क्यू कर लिया गया है और अपन इसको सुरक्षित बिल्कुल जंगल में छोड़ेंगे, किसी प्रकार की इसको भी दिक्कत नहीं और अपन को भी दिक्कत नहीं, अपने इधर भी। अच्छा, ये थोड़ी बहुत जगह होगी इसमें से, इसलिए निकल गई होगी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आज हमने इसको रेस्क्यू किया है तो भैया भी सुकून में हो गए हैं और उसको भी सुकून मिल जाएगा कहीं बाहर पहुंचे। ये क्या है, रात को अपने खाने दाने पानी के लिए जैसे दिन में सुबह अपन निकलते हैं घर से, तो वैसे ही ये निकलते हैं रात में। रात में 7 बजे के बाद इनका निकलने का समय हो जाता है, समझ रहे हैं? रात में 6 बजे के बाद इनका निकलने का समय हो जाता है। यदि अपन इनको टॉर्च लेकर नहीं जाते हैं और अपन को कोई भी जानवर नहीं दिखता और अपनी रक्षा के लिए सब काटते हैं, ये कोई भी जानवर देखेगा चाहे वो जहरीला हो चाहे बिना जहरीला हो, काटते सब जानवर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर नहीं काटता है, सभी जानवर काटते हैं। भाई हमारी वीडियो पे ध्यान रखना और वीडियो को देखना। स्नैक सेवर राजेश के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब पर चैनल आता है और सभी जानकारियां वहीं से मिलेंगी आपको। और सभी लोगों के लिए हम बताएंगे और देखते हैं। और ये जानवर बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, काट भी लेगा ना तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोग बात कह देते हैं कि अरे वो फुसकार दिया उसका पैर, दियर ने फुसकार दिया उसका पैर खराब हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने रखा हूं, मुझे फुसकार दे, तो ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ये पैक करने के लिए एक डबल आई है, हमारा स्नैक सेवर राजेश के नाम से चैनल आता है यूट्यूब पर, उसको सर्च करिए और वहां पर देखिए वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इसमें पैक करते हैं और इसमें ऑक्सीजन के लिए पहले से हॉल बने हुए हैं, तो इसमें हॉल करने की जरूरत नहीं है, मगर इसको इसमें पैक करते हैं और इसको सुरक्षित अपन जंगल में छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बिना जहर का सांप होता है और इसके बारे में अंधविश्वास बहुत है, मगर ये जहरीला नहीं होता है और इस किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सिर्फ प्रकृति में इनको जीने का अधिकार है। तो कीट पतंगे खाकर, चूहे वगैरह खाकर, मेंढक वगैरह खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मगर ये इनको जीने का अधिकार तो होता है ना। सभी लोग आते हैं और उसको उनको मार देते हैं, तो मारने से होगा क्या? इस पर जीव जंतुओं का इतना कब्जा हो जाएगा कि जिसकी हद नहीं है। छोटे छोटे जीव जो कि इनको खाने में अपन को इनको भी मदद मिलती है और अपने इधर से भी दिक्कत नहीं होती। अपने घरों में जब बरसात होती है तो कितने कीड़े आते हैं, तो ये सब उनका खाते हैं उनको। अब अपन इसको पैक करते हैं और इसको सुरक्षित अपन जंगल में छोड़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि इनको अंधविश्वास मानते हैं और रसल वाइपर जो होता है जिसके बहुत बड़े दांत होते हैं,
वो उसको जो है ना वो बहुत जहरीला होता है और ये जहरीला नहीं होता। रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है जो कि अपने दिमाग के ब्रेन में जमकर काटता है तो अपना ब्लड के थक्के जम जाते हैं और पैरालिसिस हो जाता है। तो इसलिए उसी चीज को कभी भी ध्यान रखें और इनको कॉमन ना समझें। और ये अलग अलग प्रजाति के होते हैं, काटते तो नहीं है, वो काटता है बहुत तेज रसल वाइपर, ये भी नहीं काटता, काटने को तो कभी जब है काट ले, बाकी ये है कि अपनी रक्षा के लिए थोड़े थोड़े के लिए सब काटते हैं। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। ठीक है, इसको पैक करते हैं भैया। सभी लोगों को कैसा लगा? ठीक है, ढक्कन दे। भैया इसमें ऑक्सीजन के लिए पहले से हॉल बने हुए हैं और इसको जो है ना अपन सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे और जहां पर भी होगा और कभी भी किसी को कहीं पर भी कोई सांप देखे तो उसको कृपया मारे नहीं, मेरा हाथ जोड़े का निवेदन है। कभी भी मारना नहीं चाहिए और हमको बुलाना चाहिए। दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।